हे गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। माय नेम अंजलि। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मीशो साड़ी हॉल। एक बार फिर से मीशो साड़ी हॉल लेकर आई हूँ। आप लोगों को मेरे साड़ी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर इस बार मैं फिर से आपके लिए साड़ी हॉल लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो आपके साथ सात कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, वो इतनी सारी कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 4 साड़ियों का कलेक्शन है। तो अगेन ये एक तरह से मैं इसको हरियाली तीज के अकॉर्डिंग बेस बनाकर ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मैंने ग्रीन और रेड का कलेक्शन अपने साथ ऐड किया है। हाँ, थोड़ा सा लेट हूँ मैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि हमारे साइड जहाँ मतलब हम रहते हैं वहाँ पर हरियाली तीज नहीं होती है, तो इसलिए मुझे ध्यान पता ही नहीं था, यानी कि मुझे ध्यान में ही नहीं था। और जब तक मुझे ध्यान में आया, फिर मैंने चीज़ें ऑर्डर पर लगाई, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। बट अभी भी समय है, अगर आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, या फिर आप इस त्यौहार में नहीं यूज कर सकते, अगेन कोई नेक्स्ट त्यौहार आएगा आप उस पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। फर्स्ट कलेक्शन है मेरा ये, जो कि मैंने टोटली पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी मंगाई है। इससे बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी है एंड इसका प्राइस बहुत कम है, जिस हिसाब से प्राइस बहुत अच्छी साड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी साड़ी नेट की फैब्रिक का है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका ब्लाउज। तो इसका ब्लाउज इस तरह से फैब्रिक में है, ग्रीन कलर का ही इसका ब्लाउज है, और इसमें इस तरह से सिल्वर वर्क का वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ताकि आप इसको अपने आस्तीन पे लगा सकते हैं। एंड इतना वर्क है, आप दोनों आस्तीनों पर इसमें अच्छे से वर्क ले सकते हैं। एंड इसका फैब्रिक आराम से एक्सल डबल एक्सल तक का साइज इसका ब्लाउजेस है, तो आप आराम से एक्सल डबल एक्सल तक के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका ब्लाउज। एंड उसके बाद आती है साड़ी। तो साड़ी ओवरऑल इस तरह से नेट की फैब्रिक की है, कलर बहुत प्यारा आया है एंड इसका वर्क भी इस तरह से बीच बीच में सिल्वर कलर के बीच बीच में सिल्वर कलर का जरी वर्क है एंड नीचे इस तरह से वर्क दिया हुआ है। ओवरऑल साड़ी में पूरे पे नीचे पे इस तरह से वर्क दिया हुआ है। आप फुली में साइड में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। साड़ी ओवरऑल बहुत सुंदर है, प्राइस बहुत अच्छा है। आप इसको रक्षाबंधन में भी यूज कर सकते हैं अगेन, या कोई फेस्टिवल में भी हो सकते थे, छोटी मोटी पार्टियों में भी आप इसको पहन के जाना चाह सकते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। साड़ी बहुत सुंदर है एंड इसकी अगेन इसके हम पल्लू की बात करते हैं, तो पल्लू के चारों तरफ इसी तरह का वर्क दिया हुआ है धागे को। ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है साड़ी। एंड सेम कलर का जब ब्लाउज पहना जाएगा उसके ऊपर से कलर बिल्कुल खिल के आएगा और बहुत अच्छी साड़ी लग रही है। तो ये था मेरा फर्स्ट कलेक्शन। एंड सेकंड कलेक्शन है वो है कुछ इस तरह से, जो कि ग्रीन कई मिक्स कलर है, इसमें कई कलर हैं, ग्रीन है, येलो है, पिंक है। तो सबसे पहले इसके पल्लू से शुरू करते हैं। तो पल्लू ओवरऑल साड़ी में इस तरह की लेस लगाई हुई है इन्होंने, जिसमें गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है। अगेन पूरी साड़ी में चारों तरफ इसी तरह का वर्क दिया हुआ है। एंड फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक जॉर्जेट का फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, इसमें ग्रीन कलर है, येलो कलर है, एंड फिर लाइट येलो कलर है, एंड लाइट पिंक कलर, एंड डार्क पिंक कलर, एंड रेड कलर, बहुत सारे कलर हैं इसमें। मुझे लगा था चाह रही है, बट इसमें बहुत सारे कलर हैं, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। ओवरऑल साड़ी इसी तरह से है। आप इसकी फुल इमेज देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगी कि साड़ी कैसी है। इस बार मैंने जितनी भी कलेक्शन रखी उसमें सारी चीज़ों को मैंने प्राइस का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि हर कोई मतलब महंगा प्राइस नहीं ले सकता है, तो उस हिसाब से मैंने प्राइस का विशेष ध्यान दिया है कि प्राइस ज़्यादा ना हो। मैंने 550 से 600 के अराउंड ही सारी साड़ियाँ को मैंने रखा है, उसी के अराउंड ही सारी साड़ियाँ हैं। एंड अगेन इसके ब्लाउज की बात करते हैं तो ब्लाउज पूरा ग्रीन है, फैब्रिक इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको फैब्रिक को क्या बोलते हैं मुझे नाम तो नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड इसमें भी ब्लाउज में भी साइड में इस तरह से लेस दी गई है, ताकि अगर आप अपने ब्लाउज की आस्तीन पे आराम से इसको लगवा सकते हैं एंड इसको भी एक्सल डबल एक्सल तक के लोग यूज कर सकते हैं। एंड साड़ी बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छी है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच करती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा हैवी नहीं पहनना पसंद करते हैं या फेस्टिवल में लाइट वेट पहनते हैं, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। एंड अगेन मैं जो साड़ी दिखा रही हूँ वो भी है मैरून कलर की, एंड ये भी नेट की फैब्रिक की है। तो जो जिन लोगों का फर्स्ट है तालिका तीजिए, या लोग जो लोग नए हैं, जो लोग को नेट का कपड़ा पहनना पसंद है या नेट की साड़ियाँ जिन लोगों को पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट है। इसका प्राइस भी बहुत कम था,
आप इस तरह में देख सकते हैं, इस तरह से छोटे 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 इसकी लेस में टैसल लगे हैं एंड सीक्वेंस का एंड कुछ इस तरह से वर्क दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। अगेन चारों तरफ पल्लू भी इस तरह से वर्क है एंड ओवरऑल साड़ी में नीचे इन्होंने इस तरह से इसी तरह का वर्क दिया हुआ है एंड बीच में धागे का वर्क है इस तरह से, आप देख सकते हैं धागे का और बॉन्डेड कलर के धागे का इसमें वर्क दिया हुआ है अगेन पूरी साड़ी पे एंड पल्लू पूरा हैवी है, पल्लू में पूरे पल्लू में वर्क दिया हुआ है एंड नीचे की बात करें तो नीचे सामने से प्लेन है एंड नीचे नीचे आते ही नीचे इसमें हैवी वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अगेन एंड ओवरऑल साड़ी में इसी तरह का वर्क है, पूरी साड़ी में हैवी वर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्लाउज की, तो इसका ब्लाउज भी है प्लेन पूरा, इसके सेम कलर का ब्लाउज है, ये ब्लाउज बहुत बड़ा नहीं है तो इसमें इसका साइज हमें हमारे हिसाब से सिर्फ एल तक ही आ पाएगा, तो इसको एल साइज के लोग ही पहन सकते हैं या फिर अगर आपको साड़ी अच्छी लगती है तो बेशक आप फैब्रिक लेकर अलग से स्टिच करवा सकते हैं ब्लाउज एंड इसमें इस तरह की लेस दी गई है तो ये लेस भी आप अलग से अपने फैब्रिक पे यूज कर सकते हैं एंड जिसके ये साड़ी का ब्लाउज हो सकता है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरह से वर्क दिया हुआ है ब्लाउज में, आस्तीन में लगवाने के लिए उन्होंने लेस लगाई हुई है। तो ये था मेरा थर्ड कलेक्शन, अब दिखाते हैं अपना फोर्थ कलेक्शन। जो था मैंने रेड कलर की मंगाई है क्योंकि इसमें इस समय मैंने रेड ग्रीन का ध्यान इसलिए रखा क्योंकि जिस समय फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें लोग ग्रीन रेड येलो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी साड़ियों को कलेक्शन कलेक्ट किया था। तो नेक्स्ट है ये साड़ी जिसमें किनारे किनारे से गोल्डन कलर का वर्क दिया हुआ है एंड अगेन इसमें चारों तरफ से गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई है, आप देख सकते हैं वर्क इसका बहुत नीट क्लीन है, प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, रेड कलर है, खिलता हुआ कलर है, सभी के ऊपर ये कलर अच्छा लगता है, ये भी पूजा पाठ के काम होते हैं उसमें ऐसे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं रेड कलर पहनने में। इस तरह से पूरा ये नीचे साइड का वर्क है, पूरे नीचे में इन्होंने साड़ी के पूरे नीचे में इस तरह से वर्क दिया हुआ है, इसी तरह से गोल्डन कलर का वर्क है एंड बीच बीच में इस तरह से गोल्डन जरी वर्क का दिया हुआ है, देख सकते हैं। फैब्रिक की बात करें तो थोड़ा सा सिल्क टच में फैब्रिक है एंड इसी साड़ी में इन्होंने इनका ब्लाउज अटैच कर दिया है, तो ये है इसका ब्लाउज, इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई हुई साइड में ताकि अपने ब्लाउज के आस्तीन पे लगवा सके और इस तरह से ये शायद बैक का वर्क है, आप देख सकते हैं इस तरह से बैक पे इस तरह से वर्क दिया हुआ है, फ्रंट में भी करवा सकते हैं, आपके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, चाहे फ्रंट में बनवाए या बैक में बनवाए, दोनों जगह अच्छे लगते हैं, लेकिन फ्रंट में क्या होता है फ्रंट में कवर हो जाता है, बैक पे हम बनवाते हैं तो वो इजीली दिखता है सबको और लुक अच्छा आता है सबसे ज़्यादा, तो वो अच्छा लगता है तो इसका बेस्ट पार्ट है। तो अगेन पूरी साड़ी ये बहुत सुंदर है, अगर आपको ऐसा कुछ देखना है आपको लेखना चाहते हो सारे चीज़ों की साड़ियों का कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको परचेज कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। तो ये था आज का मेरा मीशो साड़ी हॉल, तो आज का आपका वीडियो कैसे लगा एंड आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हेल्पफुल रही हो तो फिर भी लाइक कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा हेल्प मिलता है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉल में, तब तक के लिए बाय बाय।